वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट मीटिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 5 देखेंगे। चार एक्सरसाइजेस मैंने आपको समझाई थी लास्ट टाइम, तो चारों चार एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज नंबर 5 आपको इस तरह ही करनी है जैसे मैं आज आपको सिखाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टैंड द पोजिशन ऑफ अटेंशन लाइक दिस। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ध्यान से आप देखोगे और पोजिशन क्या है वो भी आप देख लोगे। ओके, तो फर्स्ट स्टेप नंबर 1, आपको टर्न करना है लेफ्ट साइड, लेकिन टर्न करते समय आपके जो लेग्स है वो लेग्स टर्न ऐसा नहीं करना है, नॉट लाइक दिस, ओनली आपके जो वेस्ट है वही से टर्न करोगे आप। ओके, सो 1 एंड 2, ओके 3 4 5, राइट टर्न 6 7 एंड 8, 8 7 6 5 4 3 2, स्टॉप्स। तो ध्यान आपको यही रखना है कि आपके लेग्स जब आप राइट टर्न करते हो या लेफ्ट टर्न करते हो आपको लेग्स टर्न नहीं करना है, ओनली कमर से ही टर्न होना है। ओके, चलो डू अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2, स्टॉप। तो ऐसे ही एक्सरसाइज आप करोगे। आपको आज मैं प्राणायाम सिखाऊंगा, तो देखिए नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्राणायाम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। एक आसन देख लेते हैं, इस आसन का नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्र एक संस्कृत शब्द है, उष्ट्र का मतलब होता है कैमल। ओके, तो उष्ट्रासन आज हम करेंगे। सबसे पहले तो आप वज्रासन की पोजिशन में बैठ जाओगे, इसको वज्रासन कहते हैं। तो सीट इन वज्रासन, घुटनों पे खड़े हो गए आप, आपके हैंड से आपके जो लेग्स है उसको आपको पकड़ना है। ओके, इट्स अ उष्ट्रासन। पीछे से भी आप देख लोगे किस तरह होता है। ओके, तो स्टूडेंट इसी तरह उष्ट्रासन आप करोगे। इसके बेनिफिट्स यही है कि आपकी जो स्टमक है वो स्ट्रांग हो जाती है, घुटने भी आपके स्ट्रांग हो जाता है, कमर की जो लचक है वो भी काफ़ी लचीली हो जाती है, और इससे जो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा बना रहता है, कभी भी पेट की तकलीफ नहीं होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।